दोस्तों गुड इवनिंग। तो बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमने क्या बताया था और आने वाले कल क्या हो सकता है। तो ये 8 तारीख का बता रहा हूँ। एक आप लोगों की कल की महूत ट्रेडिंग है, ठीक है, उसके बारे में बताना है। वहाँ मार्केट को कहीं ना कहीं गैप अप खुलना चाहिए और बाद में फ्लैट टाइप से बंद होगा मार्केट। मैंने इसमें लिखा नहीं है महूत ट्रेडिंग का। कल जो शाम को ट्रेडिंग होगी उसमें मार्केट गैप अप खुलेगा। आज रात को फेड की मीटिंग के भी जो डिसीजन होगा उनका वो आएगा, ब्याज वगैरह बढ़ाते हैं जो भी कर रहे होंगे, ठीक है, पर वो कहीं ना कहीं ज़्यादा खराब नहीं आ रहे, ठीक है। तो आप लोगों को गैप अप खुलेगा, जो कॉल लेके गए हो प्रॉफिट बुक करना, निकल जाना, बंद करना, दोबारा ट्रेड मत ले लेना। महूत ट्रेडिंग में जो लेके गए वो निकल जाना, दोबारा मत लेना, ठीक है। तो डिस्क्लेमर पढ़ना अनिवार्य है जो YouTube के डिस्क्रिप्शन में। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये आप टेलीग्राम पूछते हो, एस्टो स्टॉक्स अपडेट के नाम से ये फोन नंबर है, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर भी यही है। देखो अभी ये इस वीक का मैं तुम्हारे को हिसाब दे रहा हूं। ये तेजी हुई, आज भी तेजी हुई, ठीक है। 300 पॉइंट अप गया था, फिर मैंने आपको एक मैसेज डाल दिया था वहां पे कि अब कॉल जब भी खरीदना 41,100 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल बनाए, क्लियर बता दिया था, ठीक है। प्रीमियम में सुबह 2 ट्रेड दी थी, बढ़िया पैसा बन गया, एक में 100-125 पॉइंट बन गए थे, एक में 50 पॉइंट। फिर मैंने वही लेवल उनको बता दिया, जब पुट में जो है रहे आओ, 400 आता है आप लोग निकल जाना। आप लोग निकले होंगे 400 से, जब 413 के बाद में ऊपर गया है करीब करीब 500-600 पॉइंट, ठीक है। तो जो लेवल था फिर ऊपर जाके फिर नीचे आया है मार्केट, तो 3 टाइम मतलब 6-6 गुना पैसा दिया है आज बैंक निफ्टी ने। तो पर मैं वो बताता रहा था कि भाई अभी ये कर लो। तो मैंने एक आज कॉल भी दी थी फ्री वाले चैनल पर BTST, तो वो आप लोग देख लेना। अब 3 तारीख को बढ़िया तेजी हुई है दोपहर तक, और जहां से मेरे को लग रहा था मार्केट डगमगाएगा वहां से मैंने डाल दिया था कि इसके ऊपर ही बाई करना, उससे पहले मत करना, ठीक है। अब 8 तारीख को मैं क्या बोल रहा हूँ, अप डाउन, ये क्यों बोल रहा हूँ कि अभी मार्केट जो बाकी मार्केट हैं आज रात को खुलेंगे, कल खुलेंगे, परसों खुलेंगे, और हमारी 3 दिन छुट्टी है, तो उस चीज का डिसाइड करना कि क्या होगा कैसे होगा वो मुश्किल काम है। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट को अप होना चाहिए, मतलब फ्लैट टू पॉजिटिव ही, मतलब इसमें अगर दोनों साइड में देखोगे तो वहां देख लेना। अभी आपकी रेंज बन जाएगी मार्केट की, अभी 18,000 को क्रॉस करके सस्टेन करता है जब ही बाइंग बनेगी, 900 जाता है पुट बनेगी, ठीक है। तो ये है मार्केट में, अभी इतने आसानी से नहीं, ऊपर जाता है तो पुट लेनी है, नीचे आता है सपोर्ट पर तो कॉल लेनी है। देखो निफ्टी में ये सपोर्ट है अभी बढ़िया, ये टूटे 200 पॉइंट मिलेंगे, कौन सा है वो 17,780। ये एक चीज ध्यान रखना है नीचे पुट खरीदने के लिए। बैंक निफ्टी में जो आज का लेवल है 3940, मैंने यहां बोला था प्रॉफिट बुक कर लेना पुट में से, ये वाला लेवल, ये तुम्हें ध्यान रखने नीचे को जो इंट्राडे करते हो, और 1-2 दिन अभी पोजीशन कैरी मत करो आगे। आने वाले वीक में सोमवार को फिर मैं बता दूंगा आपको कि क्या रहेगा वीक में, एक अभी छुट्टी है, बीच में वीडियो डाल दूंगा मैं तुम्हारे को, तो पता लग जाएगी, ठीक है। महूत ट्रेडिंग का मैंने बता दिया है, अप खुलना चाहिए, मार्केट फ्लैट बंद होना चाहिए या 10-5 पॉइंट आगे पीछे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 17,780 और ये 39400, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का है, ये निफ्टी का है, तो ये इतनी सी बात है। अच्छा, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का भी कोर्स शुरू होगा नेक्स्ट वीक से, सैटरडे से, जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये अभी हमारा 13वां बैच होगा, 12 बैच खत्म हो चुके हैं, ठीक है, 12 बैच खत्म हो चुके हैं, तो जो करना चाहता है वो कर सकता है।
ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।